1954 में भागवत आचार्य अनिरुद्धाचार्य को धमकी भरा एक पत्र मिला है। भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। आतंकी संगठन से पत्र मिलने के बाद आश्रम के संचालकों ने वृंदावन कोतवाली में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया। कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के इंदौर में कथा कर रहे हैं। किसी ने संत कॉलोनी स्थित कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम के ऑफिस में पत्र रख दिया, जिसमें संजय पटेल निवासी पनलेव कृष्णा मंडी मुंबई ने अपने को महाराष्ट्र के आतंकी संगठन भारत मौत जिंदगी का कार्यकर्ता बताते हुए अनिरुद्धाचार्य से एक सप्ताह के भीतर 1 करोड़ देने की मांग की, अन्यथा उनको और परिवार को बम से उड़ाने के साथ आश्रम को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पत्र में लिखा गया कि मध्य प्रदेश में कथा के दौरान हम घटनाओं को अंजाम देंगे और तुम्हारे साथ 40-50 लोगों की मौत होगी, पूरे देश में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। धमकी भरे पत्र में आगाह किया गया कि अगर पुलिस से संपर्क किया तो अच्छा नहीं होगा। इस संबंध में कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनोज अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। अनिरुद्धाचार्य भागवता जा रहे हैं, उन्हें कोई धमकी भरा लेटर मिला है, क्या मामला है, क्या लेटर मिला है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को जो वृंदावन में रहते हैं, उनको ये बाक्स में एक लेटर मिला है जिसमें उनको धमकी दी गई है। इस पे पुलिस संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है। जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। CCTV उनके यहाँ आने जाने वाले लोग जो उस बाक्स तक पहुँच रखते हैं, उसकी छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द इसका सही घटना का अनावरण किया जाएगा।